हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेज में। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। इसी दिन हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर भारत सरकार 15 दिन का हिंदी पखवाड़ा मनाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। हिंदी चीनी स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है। राष्ट्रभाषा जनसाधारण की भाषा है। राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है। यह सरकारी व्यवस्था और प्रयास से नहीं बल्कि आम जनता के प्रयोग से स्वतः विकसित होती है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा नियमों से बंधी होती है। यह मुक्त या मुक्त प्रकृति की नहीं होती है। राजभाषा मुख्यतः सरकारी व्यवस्था और प्रयास पर निर्भर करती है और यह आम जनता के प्रयोग द्वारा स्वतः विकसित नहीं होती है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में यही अंतर होता है कि राष्ट्रभाषा जो होती है वह स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है और यह आम जनता के प्रयोग से स्वतः विकसित होती है, तथा राजभाषा होती है जो नियमों से बंधी होती है तथा यह आम जनता के प्रयोग द्वारा स्वतः विकसित नहीं होती है। आइए देखते हैं हिंदी भाषा को राजभाषा के लिए सरकारी प्रयास और त्रिभाषा सूत्र क्या है। तो 1956 में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाए जाने से पहले ही गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गए, जिसके बाद संसद के दोनों सदनों ने मिलकर एक संकल्प पारित किया और भारत की बहुभाषिक स्थिति और राष्ट्रीय एकता के लिए त्रिभाषा सिद्धांत की संकल्पना सामने आई। त्रिभाषा सूत्र क्या है? ये त्रिभाषा सूत्र आइए जानते हैं। इसके अनुसार त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रत्येक बच्चे को तीन भाषा सीखनी चाहिए। पहली भाषा उसकी मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी एक भाषा हो सकती है, तथा तीसरी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्यों? क्योंकि वैश्विक नागरिक बनने और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अंग्रेजी जानना भी आवश्यक है। परंतु त्रिभाषा सिद्धांत पर सभी राज्यों की सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे नहीं लागू किया जा सका। इसके बाद सरकार ने राजभाषा अधिनियम 1976 पारित किया, जिसके तहत एक अलग विभाग की स्थापना की गई। उस विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष हिंदी को जनभाषा बनाने के लिए हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी सप्ताह जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस है तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।